अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ऐसी है जिसको लाइफस्टाइल ब्लॉगर कहते हैं। पाकिस्तान में अभी जितने चैनल्स बन रहे हैं या वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड हैं या वो कमेडी बेस्ड हैं, बहुत ही कम लाइफस्टाइल चैनल्स बन रहे हैं। अगर आप बगैरतियों कुछ को जानते हो जिनको हम कार्डाशियंस बोलते हैं, वो वेस्ट में बहुत बड़ी फैली हुई चीज़ें हैं, या फिर आप आदम साले को जानते हो या फिर यूसुफ फूसी ट्यूब एक्सेट्रा, ये लोगों ने शायद स्टार्ट किया था फ्रॉम प्रैंक्स बट ऑन अ डेली बेसिस वो प्रैंक्स नहीं बना सके। व्हाट दे हैव टर्न्ड इनटू इज लाइफस्टाइल व्लॉगर्स। तो आई एम एक्चुअली आपसे भी मैं यानी वही सजेशन कर रहा हूँ, वही आइडिया आपको दे रहा हूँ कि लाइफस्टाइल व्लॉगर बन जाओ। अब लाइफस्टाइल व्लॉगर क्या होता है और क्यों लोग उनको देखते हैं? लाइफस्टाइल व्लॉगर वो होता है कि वो अगर खा रहे हैं ना तो वो व्लॉगिंग कर रहा है, जी मैं खा रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, एंड रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, उसमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं होती। लेकिन लोग क्यों देखते हैं? बिकॉज पीपल आर बोर्ड। बस यार लोग बोर्ड हैं, लोगों को ज़्यादा दूसरों की दिलचस्पी है लाइफस्टाइल में, तो इसलिए वो देखते हैं। क्या मैं कहूँगा आप देखो? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि आप लोग मिलियनेयर हो, आप लोग ऑन द अदर साइड, आप लोग पैसे बनाने वाली साइड पे हो, आपने सिर्फ अपनी ब्लॉग्स बनानी है अपने बारे में। मैं यार आज मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, आज मैं ना जॉब कर रहा हूँ, आज मैं किसी क्लाइंट को मिलने जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। एक आपको मेरे आगे पीछे जो कजन्स हैं उनको मैं हमेशा घसीटता रहता हूँ, इसमें बुलाता रहता हूँ कि यार लाइफस्टाइल व्लॉग बनाओ, पैसे कमाओ। मेरा ये आज़ाद चाय वाला जो चैनल है, मैंने आपको एक चैनल दिखाया था जिसमें मैं एडमिट कर लेता हूँ, चैनल मेरा था जो 20 लाख वाला था, ठीक है, वो मेरा था। वो जब मैंने आपको एक चैनल 2 महीने में चला के बताया था, मैंने स्टार्ट किया, मैंने फिनिश किया, आपके सामने मैंने किया, 1 लाख रुपये से ज़्यादा मैंने उसमें कमाई। आई ओनली डिड इट आपको दिखाने के लिए, यार ये देखो मैंने उसमें 10 वीडियो फेंके थे, 10 वीडियो लाइफ स्टाइल के फेंके थे, एंड आई मेड ओवर 1 लाख रुपया, एंड मैंने आपको दिखा दिया यार ये देखो ऐसे चैनल बनाओ, वो मेरे वीडियो भी आप देख सकते हो। एंड मैं तीसरी बार ये आपके साथ इल्तिजा कर रहा हूँ, अभी पाकिस्तान में बहुत बड़ा वैक्यूम है, इंडिया पाकिस्तान में बहुत बड़ा वैक्यूम है लाइफ स्टाइल ब्लॉगर्स का। कोई किसी सेलेब्रिटी को जानते हो तो उसके पीछे लग जाओ यार, उसका जो बैकग्राउंड है ना उसके कैमरेज बनाते शुरू कर दो, यानी उसकी फिल्म बनाना शुरू कर दो, व्हाट ही डज ऑन अ बैकग्राउंड, यार ये वीडियो हजारों लाखों मिलियंस ऑफ टाइम्स देखे जाते हैं। सो इवन इफ यू नॉट सेलेब्रिटी, सेलेब्रिटी बन जाओगे यार, सेलेब्रिटीज ऐसे ही बनते हैं। लाइफ स्टाइल ब्लॉगर ये करता क्या? कुछ नहीं करता, बस कैमरा लेके ना फिरता रहता है, जी आज मैं रक्षे में बैठा, आज मैंने आइसक्रीम खाई वहाँ पे, कल पीपल विल बी आफ्टर यू। ये आदम साले को अगर कहो कि यार मैंने उसको हायर किया ना, मैंने अपनी कंपनी के लिए उसको हायर किया, आई नो वो कितने पैसे चार्ज करता है, लाखों चार्ज करता है, और मैंने कितने और यूट्यूबर्स को अप्रोच किया है, over 100 फॉर डिफरेंट कंपनी, कितनों को मैंने हायर किया, कितने उनको मैंने पैसे दिए, आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन यू, ठीक है। तो इसी तरह अगर मेरे पास पाकिस्तान में कोई प्रोडक्ट होगा, मैं जो भी हूँ, आई डोंट हैव टू बी कोक पेप्सी, मैं छोटे किस्म का भी ब्रांड हो सकता हूँ, और मुझे कोई ना कोई सेलेब्रिटी चाहिए, मॉडर्न किस्म का सेलेब्रिटी चाहिए, ऐसा सेलेब्रिटी चाहिए जिसको जो यूथ के साथ उसकी कोई अप्रोच हो, तो दैट विल बी अ यूट्यूबर, दैट विल बी यूट्यूब किस्म का सेलेब्रिटी, नई जनरेशन का सेलेब्रिटी, एंड आप वो बन सकते हो, वो आप वैक्यूम पूर कर सकते हो। कैसे? अब एंड हाउ डू यू स्टार्ट? इस तरह मैंने ये हमजा कैमरे के पीछे खड़ा हुआ है, हाउ डिड आई स्टार्ट हिम? मैंने उसको यार कैमरा निकाला अपनी जेब से, मैंने कहा आज हमजे ना ये मैंने व्लॉग बना के छोड़नी है ना, आई स्टार्टेड ऑन ईद डे। हमेशा जिसको भी मैं कहता ना वो ताड़ता रहता है, यार मैं कोई बहुत बड़ी दिलचस्प चीज़ करूँगा तो वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, कोई मैं कोई मार्का मारूंगा, इट डजंट हैव टू बी अ मार्का। यार आज मैंने क्या खाया, किससे मिला, क्या इंटरेस्टिंग चीज़ थी, हमजे ने कल ट्राइफल जिंदगी में पहली बार खाई है, हमजे ने कल पहली बार यूके में ईद मनाई है, पढ़ी है, जुमा एक्सेट्रा, तो इट वॉज समथिंग इंटरेस्टिंग, एंड आई गारंटी यू वो वीडियो कम अज कम 5-10 हज़ार लोग जरूर देखेंगे ओवर द लाइफ टाइम ऑफ इट, ठीक है, इंशाल्लाह, क्योंकि इट स्टार्ट, ये भी जीरो से स्टार्ट कर रहा है, और आज की यानी 2017 की सितंबर में स्टार्ट कर रहा है, एंड येट आप साल बाद देखना, 1.5 साल बाद देखना ये कहाँ पे होगा, कभी जा रहा होगा, दरवाजे खुलेंगे, और जी हमजा साहब आ रहे हैं जी, ठीक है, हमजा हल्लेदार है फजूल का, बट दरवाजे खुलेंगे, दैट्स द पावर। यार अगर आप बिजनेस करते हो, आप जो भी करते हो, मेरा देख लो, मैं बिजनेसमैन था, मेरे से हजारों गुना बड़े लाखों बिजनेसमैन हैं, लेकिन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस। यार मैं फॉरेन में भी होता हूँ ना तो कोई ना कोई अपना देख लेता है, अस्सलाम वालेकुम कर देता है, दिल खुश हो जाता है, बड़ी चीज़ हो गया हूँ, नॉट किडिंग यू, दैट्स द फीलिंग आई वांट यू टू हैव एज वेल, ठीक है। और कैसे होगा? बट कंसिस्टेंसी चाहिए, अगर आप लाइफस्टाइल के व्लॉगर बन रहे हो ना, यू हैव टू हैव कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का ये मतलब है कि मेरे जैसे नहीं, अब मेरी तो चलो जाती प्रॉब्लम थी, मैं 3-4 हफ्ते काम पे नहीं गया, कर नहीं पाया, वीडियोज नहीं बना सका, बट व्हाट यू नीड टू डू इज छोड़ना नहीं है यार, किसी चीज को हकीर ना समझो। आप पिपल पे वो लारी भी ले रहे हो ना, जैसे हम छोटे होके 10-12 ने एक बहुत बड़ा दरख्त जो टहना होता है ना उस पर हम बैठ के ना हम इस तरह उछला करते थे, जी बस जा रही है, ठीक है,
एंड इफ अगर वो भी आप करते हो ना, अगर मैं ऑनेस्टली मुझे मौका मिला ना वापस जाके पाकिस्तान पीपल के दरख्त पे बैठना, आई विल मेक दैट वीडियो एंड फिर भी हजारों लोग देखेंगे एंड आई विल स्टिल मेक मनी फ्रॉम यूट्यूब. मेरा मकसद यूट्यूब से पैसे बनाने का नहीं है, फ्रॉम दिस चैनल, ये चैनल नहीं है. आई हैव अदर चैनल जो कमर्शियल हैं जिनसे सिर्फ पैसे बनते हैं, इससे मेरा पैसा कमाना नहीं, इससे आपको बिजनेस सिखाना. अगर पैसे बनते हैं तो मैं ना नहीं करूँगा. ये शायद हुसैन साहब ही स्टार्टेड लेस देन ईयर अगो, ठीक है, लेस देन ईयर अगो. आज मुझे पता है 50-60 हज़ार उनके कहीं नहीं जा रहे महीने के, एंड यू नो वॉट, दैट्स अ डिसेंट साइज इनकम यार. वो किसी अपना कैमरामैन को दे सकते हैं, किसी एडिटर को वो पैसा दे सकते हैं, इफ नथिंग एल्स वो ऊपर जाएंगे, इट विल गो इवन हाई. एंड वो आपके भला कर रहे हैं, ही इज एक्चुअली इधर आ जाए म्यूजिक इधर, वो आपके वो क्या कहते हैं स्टिल आपको बिजनेस सिखा रहे हैं. बंदा क्यों टू क्राई इस पैसे को. रेहान भाई इनको भी मैं कह रहा हूँ यार, मैं उनके चैनल का थोड़ा एडमिन हूँ तो उन्होंने इजाज़त दी हुई है, तो मैं उनके देखता हूँ. मैं कहता हूँ रेहान भाई प्लीज़ यार इसमें भी इनकम ऑन करो ताकि कम से कम कुछ कमाने की हो, लेकिन उनकी थोड़ी कॉपीराइट्स का मसला है इसलिए मैंने कहा ज़्यादा पुश नहीं करते, ठीक है. वो थोड़ी गलती से कभी कभार बीच में वीडियो लगा देते हैं, गाने लगा देते हैं, गाने नहीं म्यूज़िक कह लो, बैकग्राउंड में जो कॉपीराइटर होता है वो थोड़ा पंगा हो जाता है, सो इसलिए आई एम थोड़ा संभला हूँ. अल्लाह उनको बहुत दे. बट एनीवे जिस्ट क्या है, कैमरा निकालो शुरू हो जाओ, ठीक है ना. आज मैं गद्दे पे राइड कर रहा हूँ यार, आई टेल यू 99% ऑफ पाकिस्तानीज हैव नट्स रिडन अ गद्दा. उनको वो गद्दे पे आपके जाना विल बी अनोखी चीज़ नज़र आएगी. आज ना मैं नहर के किनारे ना मैंने खरबूज तरबूज जो भी होता है मैंने डोब के खाया है यार. आई हैव डन दैट इन माय लाइफ. फ्रिज से वो ज़्यादा ठंडा होता है एंड इट इज़ अ लक्ज़री जो बादशाहों को यार नहीं मिलती. नहर के किनारे आप वो डोब के ना निकाल के खाते हो, टक लगा के यू ईट इट यार, दैट्स बनाते रहो. आज मैं फिशिंग गया, आज मैंने ये किया, आज मैंने एग्जाम में चीटिंग की, किसने नहीं की, मैंने की है. हाथ ऊपर करता हूँ क्या कर लोगे, नथिंग, आई हैव डन इट, ठीक है. पर्चा किसी बच्चे ने निकाल दिया, हमने सब नकल कर ली, नो प्रॉब्लम, वी've ऑल डन दैट. लेकिन उसकी फिल्म बनाते जाओ, फिल्म बनाते जाओ, फिल्म दैट पीपल वॉन्ट टू वॉच इट. रोज एक वीडियो निकालो, ट्राई टू गेट एटलीस्ट एक रोज, हर रोज, हर रोज, हर रोज, ताकि एक नहीं तो दूसरा कम से कम चल पड़ेगा, कोई ना कोई वायरल उनमें से हो जाएगा, और जब वायरल हो जाएगा आपके बाकी भी देखे जाएंगे, ठीक है जी. आई होप आपको समझ आ चुकी है, दिस इज अ बिजनेस जिसके लिए कुछ नहीं आपको चाहिए यार. 60% जो लोग मुझे देखते हैं वो फोन की स्क्रीन से देखते हैं, सो यू जस्ट नीड अ नॉर्मल फोन. ये आईफोन 6 प्लस से वीडियो बन रही है एंड आईफोन 6 या 2 साल पुराना फोन है, ठीक है जी. मैं हूं चाय वाला, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ख्याल रखिएगा एंड इंशाल्लाह मिली नहरो, कम टू chaiwala.com अगर बातचीत करनी है, अगर आपको नई वीडियोस बनाए यार. टू दैट आप किसी भी इंडस्ट्री से हो, जिस भी इंडस्ट्री से हो, उस इंडस्ट्री के मतलब ना वीडियोस बनाते जाओ, उस्ताद बन जाओ, और कुछ नहीं यार, इज्जत होगी, लोग आपको दुआएं देंगे, इफ नथिंग वो यानी सवाब कमाओगे इंस्टेड ऑफ पैसे. बट बस वीडियो बनाओ यार, दैट्स इट. मैं हूं अजाद चाय वाला, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम. बाकी बंदा ये जो वीडियो आप मेरे पीछे देख रहे हो जो चल रहा है, जल्दी से बजाय कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड दबाना है, एक्चुअली टाइम लैप्स गलती से हमजे का मैं ये कह रहा था कि यार ये इसने अभी चैनल खोला, ये साथ इसकी लिंक है, इसका आइकॉन है, अगर आप देखना चाहते हो इसकी सबसे पहली व्लॉग जो मैंने खुद फिल्म की है, एंड अगर सब्सक्राइब करना चाहते हो इसकी हौसला अफजाई के लिए दैट वुड बी ऑसम, क्योंकि इंशाल्लाह फ्यूचर में ये बड़े उलटपटांग चीज़ें करेगा इफ़ ही स्टेज कंसिस्टेंट. And iske alawa if you want to start your own vlog then good luck to you inshallah. Theek hai ji, goodbye. Shukriya for actually watching my video. Agar aapne abhi tak subscribe nahi kiya mere channel ko to mujhe ek wajah dene dijiye kyun aapko subscribe karna chahiye. Agar aap gulami se dekho ab tak, humne politicians ko sirf bure alfazon se yaad kiya hai, hame hum guddar gaddar khudgarz chori bola unko. We've never said anything to the meetha because agar aap dekho hamare aage piche schools dekho, acche schools hame tab mile because businessmen unhone hame diye, unko lalach tha ki humne paisa kamana hai acche school dene padenge, achi transportation, hame acha media, hame acche malls dukane etc sar ke sab kuch businessmenon ki wajah se mila because koi na koi banda tha uske piche jisko khud lalach tha ki usne ameer hona hai aur usne hame sahulte deni hai, and that's how we will succeed aage jaate hue. We cannot rely on politicians. So meri kya mission hai, meri mission hai ki Pakistan ke soye hue jo entrepreneurs hain, businessmen hain, unko hausla afzai unko karni, unko jagana. Unme se taqreeban 1 million ko millionaire maine jo hai na, yani 1 arab ko maine arabpati banana hai, and that is my life mission. So that's why you should subscribe. Agar aapko seekhna hai, agar aapke paas job nahi hai, agar aap tang aaye ho apne halaat se, agar aap degree fazool leke phanse hue ho, then you need to become an entrepreneur. Apne halaat khud badalne padenge, become a millionaire, become a businessman. Jab aap millionaire banoge inshallah aap aage apne halaat khud theek kar doge, yani you'll get every facility that you want, achi gaadiyan, achi ghar, you'll be able to pay for any medication andar bahar jahan bhi aap chahte ho. Apne halaat badloge then zahir hai aapne saath apne paise to cover mein leke nahi jaane, you will spread it to the people around you, and agar main kar sakta hu aisa then I will absolutely try. इसलिए आपको सब्सक्राइब करना चाहिए मेरे चैनल को, ठीक है जी. मैं हूँ जाद चाय वाला, थैंक्स अगेन.
अस्सलाम वालेकुम।